देश में एक बार फिर बेकाबू कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,833 नए मामले, 58 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में केस का नया रिकॉर्ड। इससे पहले 11 सितंबर को आए थे 24,896 नए केस। मुंबई में 2,870 नए कोरोना मामले, 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। धारावी ने फिर बढ़ाई टेंशन, कल सामने आए 30 नए संक्रमित। पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 1,66,353 हुई, सबसे ज्यादा पुणे में 35,539 एक्टिव केस। बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फरमान, महाराष्ट्र आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च तक रोक। मध्य प्रदेश में कल 24 घंटे में आए 917 नए केस, भोपाल और इंदौर के अलावा 10 अन्य शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लागू। दिल्ली में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 607 नए केस, एक मरीज ने गंवाई जान। 6 जनवरी के बाद दिल्ली में कल सबसे ज्यादा मामले सामने आए, कई इलाकों में सिविल डिफेंस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संक्रमण को लेकर कहा, पहले के मामले काफी कम, चिंता की बात नहीं, सावधानी जरूरी। गुजरात में कोरोना के 1,276 नए मामले, सबसे ज्यादा सूरत में 324 केस। सूरत में बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला, आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी मॉल बंद, लगेगा नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद में भी आज रात 9 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, शनिवार और रविवार को मॉल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत समेत आठ शहरों में स्कूल को बंद करने का आदेश, फिलहाल ऑनलाइन होगी पढ़ाई। सामने आए गुजरात सरकार की दोहरी नीति, मास्क नहीं पहनने वाले आम लोगों पर 1,000 का जुर्माना लगाने का फैसला, नेताओं मंत्रियों और अफसरों के लिए सिर्फ 500 रुपए। सूरत में पुलिस थाने में उड़ी कोरोना को लेकर बड़े नियम की धज्जियां, इंस्पेक्टर के विदाई समारोह में बिना मास्क दिखे लोग, वीडियो वायरल। कोरोना की दूसरी लहर की आहट से यूपी में भी खौफ, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीएम ने स्क्रीनिंग अभियान का लिया जायजा। पंजाब के 9 शहरों में सख्ती, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। पाबंदी के बाद भी कपूरथला में नाइट कर्फ्यू के दौरान खुली नजर आई दुकानें, सुस्त दिखे पुलिस वाले। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता, सभी सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां 5 अप्रैल तक रद्द। बंगाल चुनाव में टीएमसी को एक और बड़ा झटका, अब शुभेंदु अधिकारी के पिता और सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में होंगे शामिल। 24 मार्च को कांथी में पीएम मोदी की रैली में मंच पर मौजूद रहेंगे शिशिर अधिकारी, शुभेंदु ने 2 दिन पहले दी थी जानकारी। बीजेपी में शामिल होने से पहले शिशिर अधिकारी का ममता पर तीखा हमला, कहा जीतने के लिए बनाया चोट का झूठा बहाना। पार्टी में टूट के बीच ममता ने संभाला मोर्चा, आज पूर्वी मिदनापुर में 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिबंधित शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले कराने का लगाया आरोप। आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेगी टीएमसी नेता स्वागत रॉय महुआ मोइत्रा के साथ यशवंत सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली, ममता के चुनावी नारे खेला होबे पर जमकर बोला हमला। पुरुलिया रैली में पीएम मोदी का ममता सरकार पर वार, बोले दीदी कहती है खेला होबे, बीजेपी कहती है विकास होबे। पश्चिमी मिदनापुर में ममता की भी रैली, कहा बंगाल के सभी होटल बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गए हैं, हजारों नेता वोट लूटने आ रहे हैं। मिदनापुर रैली के मंच से ममता ने फिर किया चंडी पाठ, बीजेपी को दिया हिंदुत्व पर जवाब। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया 148 उम्मीदवारों के नाम, कृष्णनगर उत्तर से लड़ेंगे मुकुल रॉय। हावड़ा से राहुल सिन्हा उतरेंगे मैदान में, फुटबॉल अकन्या चौबे, मानिकटोला से बीजेपी प्रत्याशी। बागेश्वर से जितेंद्र तिवारी को टिकट, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए हैं शामिल। आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्र पॉल उम्मीदवार, शांतिपुर से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को टिकट। चौरंगी से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई शिखा मित्रा ने उठाए सवाल, कहा मैं नहीं लड़ रही हूं बीजेपी टिकट पर चुनाव, मैं कांग्रेस में हूं। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बंगाल में कई शहरों में प्रदर्शन, जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ दुर्गापुर में आग चली। करीब 24 परगना में वासुदेवपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अरुण ब्रह्मा को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। राजरहाट, गोपालपुर और दमदम में टिकट को लेकर भी टेंशन, सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। आरोपों के मुताबिक बीजेपी समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में की तोड़फोड़, झड़प में एक कार्यकर्ता जख्मी, पुलिस ने संभाला मोर्चा।
पश्चिमी वर्धमान के रानीगंज विधानसभा सीट से बिरजन मुखर्जी को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रदर्शन, कहा पुराने पार्टी नेताओं को मिले टिकट। हावड़ा में बारी से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई वैशाली डालमिया का भव्य स्वागत, सिद्धेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। दो दिनों के असम दौरे पर राहुल गांधी, आज पहले दिन डिब्रूगढ़ के कॉलेज में छात्रों से करेंगे बात। तिनसुकिया में चाय बागान के कर्मचारियों से भी मिलेंगे राहुल, फिर करेंगे चुनावी सभा, कल जोरहाट में कार्यक्रम। चुनाव आयोग की आज अहम बैठक, 5 राज्यों के सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा। वृंदावन पहुंचे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, सड़क किनारे कुल्हड़ में पिया दूध। महिलाओं के लिबास पर दिए बयान को लेकर बड़ा विवाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दी सफाई। नाश्तक से खास बातचीत में तीरथ सिंह रावत बोले, मुझे जींस से नहीं फटी जींस से एतराज। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने कुछ भी बुरा नहीं कहा, संस्कार और अनुशासन होना होगा तो कहीं भी फेल्योर नहीं होगा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिया था विवादित बयान, फटी जींस को लेकर संस्कार पर उठाए थे सवाल। हरियाणवी लोक गायिका सपना चौधरी ने भी तीरथ सिंह रावत पर उठाया सवाल, कहा इंसान की सोच उसकी परवरिश दर्शाता है। बरेली में शर्मसार हुई इंसानियत, सड़क हादसे में जख्मी दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। नारायण सत्या 28 में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी आग, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रायसेन में करणी सेना के नेता की हत्या के आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। आगरा में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी, 50 पेटी शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। मालदा में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़, चिन्मय देव वर्मन को टिकट दिए जाने से नाराज किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी के सवालों के बाद 4 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद करने का आदेश, आईजी ने संबंधित डीएम और एसपी को लिखी चिट्ठी। जैसलमेर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, रेगिस्तानी इलाकों में तूफान और भारी ओलावृष्टि। मुर्शिदाबाद में फिर मिले बम, इसे रखने वालों की तलाश जारी। जौनपुर में रिटायर्ड फौजी पर हमला, पैसे के लेन देन में दबंगों पर हमले का शक। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर जानकारों ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी, उम्मीदवार बदलने की मांग की। असम के परपेटा में नामांकन भरने जा रहे कांग्रेस उम्मीदवार पर समर्थकों ने ही किया हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़। महोबा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप, किया हंगामा। महोबा में 2 लड़कियों को साथ ही युवक ने मारी गोली, फिर जख्मी हालत में उन्हें सड़क पर फेंक कर आरोपी हुआ फरार, 1 लड़की की मौत। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जांच में दायरा बढ़ा, वाजे से जुड़ी कई कंपनियां भी रडार पर। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक वाजे 3 कंपनियों में डायरेक्टर, लेनदेन पर जांच एजेंसियों की नजर। हरवीर सिंह के तबादले पर सियासी तूफान, बीजेपी नेता राम कदम ने कहा अधिकारियों के तबादले से आईपीएस लॉबी नाराज। सचिन वाजे केस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। एनआईए एटीएस की जांच में दखल से अनिल देशमुख का इनकार, कहा कोई गलती हुई है तो हो रही है उसकी जांच। जींद में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और मजदूरों की पैदल यात्रा, 23 मार्च को टीकरी बॉर्डर पहुंचकर मनाएंगे शहीदी दिवस। कानपुर में डिफेंस फैक्ट्री में हथियारों की प्रदर्शनी, सेल्फी लेने की दिखी होड़। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचे बीएसएफ आईजी, पाकिस्तान से लगी सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। उत्तराखंड के रानीखेत में सेना का सांस्कृतिक कार्यक्रम, उज्बेकिस्तान के जवानों ने मॉन्स्टर डांस कर जीता दिल। साउथ त्रिपुरा के बेलोनिया में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों से मैत्री फुटबॉल मैच, कार्यक्रम में स्टंट का भी आयोजन। मौसमी बीमारी बन सकता है कोरोना वायरस, संयुक्त राष्ट्र ने कई सालों तक वायरस का खतरा जारी रहने की दी चेतावनी। 2021 की पहली छह माही में बढ़ सकता है बैंकों का एनपीए, फिक्की और आईबी ए
के सर्वे में दिया गया दावा। फरवरी में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 35% का इजाफा, कोरोना काल के बावजूद कारोबारी गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार। 2021 में 10% बढ़ सकता है चीनी का उत्पादन, ऊंची कीमत पर निर्यात से बढ़ेगा चीनी मिलों का कैश फ्लो। अक्टूबर से 15 साल पुरानी कार की आरसी रिन्यू कराने पर चुकानी होगी ज्यादा रकम, गाड़ी के री रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी 8 गुना ज्यादा रकम। ऑटो कंपनियों को अब गाड़ियों की रिकॉल पर देना होगा जुर्माना, अधिकतम 1 करोड़ रुपए होगा रिकॉल का जुर्माना। देश में जनवरी 2021 में 96 लाख मोबाइल यूजर्स बढ़े, ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक 2.5 साल में पहली बार बढ़े वोडाफोन आइडिया के ग्राहक। कर्नाटक के स्टील कंपनियों के दूसरे राज्यों से आयरन ओर मंगाने पर जताई चिंता, कहा राज्य की घरेलू अर्थव्यवस्था को हो रहा नुकसान। नोकिया करेगी 10,000 कर्मचारियों की छटनी, लागत को कम करने के साथ ही R&D, 5G और क्लाउड में निवेश करने का भी ऐलान। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बढ़ाई ऑफिस स्पेस की मांग, बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार हुई तेज। अहमदाबाद के चौथे T20 में भारत की रोमांचक जीत, 8 रन से इंग्लैंड को हराया। भारत के मैच के हीरो बने सूर्य कुमार यादव, 57 रन की खेली दमदार पारी, बने मैन ऑफ द मैच। शार्दुल ठाकुर ने 3 जबकि हार्दिक पांड्या और राहुल चहर ने झटके 2-2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार ने किया बटलर को आउट। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन, जसन रॉय ने खेली 40 रन की पारी। चौथे T20 में जीत के बाद सीरीज में 2-2 की बराबरी, शनिवार को आखिरी मैच में सीरीज का होगा फैसला। राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद आई रूस की प्रतिक्रिया, क्रेमलिन के मुताबिक जो बाइडेन को रूस के साथ रिश्ते सुधारने की नहीं है इच्छा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर हुई बातचीत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने पर दिया बयान, बोले 1 मई तक सैनिकों को वापस बुलाना है कठिन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर हुआ बम धमाका, धमाके में 4 अफगानी सरकारी कर्मचारियों की मौत। म्यांमार में आंग सान सू की पर निर्माण क्षेत्र से जुड़े एक प्रभावशाली कारोबारी ने लगाया बड़ा आरोप, कारोबारी ने दावा किया सू की को उसने खुद $5 लाख से अधिक नकद राशि दी थी। बेलारूस की विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही स्वेतलाना के समर्थकों से अपील, सरकार के प्रतिनिधियों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने की मांग। 4.7% की दर से बढ़ेगी इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों पर होगा सबसे ज्यादा असर। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर फ्रांस का बड़ा फैसला, पेरिस और कुछ अन्य इलाकों में लगेगा सीमित लॉकडाउन, खुले रहेंगे स्कूल। स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में दोबारा इस्तेमाल होगी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, कंपनी की सफाई के बाद सस्पेंस खत्म।